ओके गाइस एंड नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन इज द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इनको हम लोग एक और कॉमन एप्रीवेटिव नाम भी देते हैं एस ठीक है जी एस जो है ये बेसिकली सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जो कि ड्यूरिंग सेक्चुअल इंटरकोर्स जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ठीक है थीके? वो हम लोगों ने अब डिस्कस करनी है ये आपकी बुक के अंदर जो है वो टोटल चार गेवन है जो सबसे पहले हमारे पास गेवन है दैट इज़ गनोरिया ठीक है जी तो जो हमारे पास गनोरा है इसके अंदर होता क्या है गोनोरा के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम जो है जिसका नाम है एन गोनोरा जो ये जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरियम है एन गोनोरा इसका नाम है ठीक है ये क्या करेगा ये जो है वो क्या कर सकता है कि ये अफेक्ट करता है म्यूकस में को जीवनो जेनेटल डेक्ट की और जो न्यू बेबी जो है वो पैदा हो रहा है उसको स्वेर आई इन्फेक्शन जो है आई इनफेक्शन जो है वो हो सकता है न्यूली बॉर्न बेबी को ठीक है न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर ठीक है जी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है आई इन्फेक्शन का और ये किस वजह से होगा यह ग्राम पॉजिटिव एंड गनोरिया बैक्टेरियम की वजह से हो सकता है और इसमें होगा क्या कि अगर तो ये मतलब बर्थ कॉल के अंदर से ये चला गया है जाके पहुँच गया बेबी तक तो तब ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है और ये हाईली कंटेजियस है थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स इसके अलावा एक और हमारे पास है सिफिलस ठीक है जी सिफिल्स एक और हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम है इसके अंदर क्या होता है सिफिलिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्यूरेंट्री कोर्स के, के दौरान इट इज़ कॉज बाई स्पायरोट एक स्पायरोट एक बैक्टेरियम हमारे जो है वो स्पायरल फॉर्म स्पायरोट जो है वो पाया जाता है जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पेलीडियम ठीक है जी टी पेलीडियम हमारे पास एक बैक्टीरिया है ठीक है जिसकी वजह से जो है ये कॉज होती है प्रॉब्लम तो ये क्या करेगा बेसिकली इसका जो है वो फंक्शन क्या है कि डैमेज कर देता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आइज बॉन्स जॉइंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्ट एंड स्किन ये बहुत सारे आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं यानी कि डायरेक्टली जाके अटैक ही वाइटल ऑर्गन्स को करता है तो वाइटल ऑर्गन्स जब अटैकड होंगे तो जाहिर है फिर उनको प्रॉब्लम भी होगा जो न्यूली बॉर्न जो है उनको तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इट्स डिसीमिनेशन इसकी जो रीजन है सबसे बड़ी वो आपके पास है तो हर्पीज हमारे पास नाम बता रहे है आपको प्रॉब्लम होगा तो जेनेटल हर्पीज के अंदर जो है बेसिकली क्या होता है कि इट इज कॉज ड्यू टू हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप टू वायरस टू वायरस की वजह से ये जो है वो बेसिकली क्या करता है वो जर्मिनेट होता है ठीक है ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कॉज हो सकता है टाइप टू वायरस के जरिए अब इसमें होगा क्या कि ये बेसिकली किस चीज़ को जो है वो जो है टारगेट करता है कि सी एन एस ऑफ इन्फेंट न्यूली बॉर्न बेबी के सी एन एस यानी उसके दिमाग को जो है ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करवा सकता है इसी तरह जो है ये जो आपके पास जेनिटल सोरनेस है वो कॉज करेगा ये क्या करेगा जेनिटल सोरनेस जो है वो कॉज कर सकता है ठीक है जी तो यह भी प्रॉब्लम जो है वो जर्निटल हर के जरिए जो है वो हो सकती है और इसके अलावा एक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी जो बीमारी जिसका अभी तक इलाज भी डिस्कवर नहीं हो सका दैट इज एड्स ठीक है जी एड्स दैट इज अक्वायर्ड इम्यून डेफिशेंसी सिंड्रोम अच्छा ये जो लव सिंड्रोम है इसका मतलब होता है कोई बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ ठीक है इसमें क्या होगा कि अगर जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो अगर वो किया जाए तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा अल्टीमेटली कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं ठीक है जी जैसे कि आपके पास जो बॉडी के मुदाफियाती पार्ट्स हैं जैसे कि जो कुत मुदाफ़त पैदा करते हैं जो कि इम्यूनिटी डेवलप करते हैं उनके ऊपर जो है इसका स्पेशल जो है आगे एम्पिसाइज होता है प्रॉब्लम होता है और इसके ज़रिए फिर होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है आ, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हेल्पेटी लिम्फोसाइड्स के बैक्टीरिया वगैरह से वायरसेस से लड़ते हैं उन सब की जो है वो कमी हो जाती है और इसका जो वायरस होता है एड्स का उसका नाम होता है एच ठीक है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस ये एच जो है बेसिकली ये कॉज करता है बीमारी ये वायरस और इसकी जो है मुख्तलिफ़ सीरो टाइप्स हैं जिनकी वजह से इसकी वैक्सीन भी जो है वो नहीं बनाई जा सकी तो ये हमारे पास जो है वो एड्स कॉज करता है तो एड्स से हम प्रिवेंशन ऐसे कर सकते हैं कि जो सेक्चुअल इंटरकोर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो ठीक है और वो लिमिटेड हो तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कुछ जो कंट्रोल है वो किया जा सकते हैं इसी तरह ये एड्स जो है ये इसके प्रॉब्लम सिर्फ सेक्चुल नहीं है इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं मिसाल के तौर पर अगर किसी की यूज स्रिंज जो है एड्स के मरीज की जूजड स्रिंज अगर किसी को लगा दी गई है उससे एड्स हो सकता है किसी का यूज़ जो है वो कोई मतलब रेजर वगैरह हुआ यूज कर लें उससे यह प्रॉब्लम हो सकता है लिहाजा इससे बचाव की तरह की तरक तो है उनको जरूर अपनाना चाहिए दिस वॉज अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस थैंक यू सो मच